भाई मुझे पैसे दो, मुझे नहीं पेन खरीदनी है। अरे सच्चू, लेकिन अभी तुझे 2 दिन पहले मैंने नया पेन खरीद के दिया था, तो फिर अब क्या हो गया इस पेन को? वो मेरे हाथ से छूटकर पेन गिर गई ना, उसका भी निब भी नहीं चला और अभी मैं होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। सच्चू एक बात बोलूं तुझसे, आजकल तू बहुत बिगड़ता जा रहा है, इतना लापरवाह हो गया है। तुझे कोई चीज चाहिए होती है तो उसे तोड़ देता है, या फिर कोई नई चीज खरीदता है फिर टूट जाती है तो उसे वापस चाहिए होता है। सब क्या है सच्चू, तो इतना बड़ा हो गया कुछ तो समझा कर। तुझे कोई नया पेन नहीं मिलेगा, पुराना पेन है ना वो इस्तेमाल करो और अपना होमवर्क पूरा करो। चलो सच्चू, ये क्या है सच्चू? सच्चू ये क्या है, तेरी शर्ट पे इतने सारे दाग लग गए इनके। अरे तुझे अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो तू ये करेगा, अपना पेन तोड़ देगा। आई आपने ही तो कहा था कि नई पेन नहीं मिलेगी और मेरे को होमवर्क भी पूरा करना था और अभी ये सब हो गया। तुझे मैंने कहा था ना तेरे पुराने पेन से ले, तो क्यों नहीं लिखा अपने पुराने पेन से? अब इन दाग का मैं क्या करूंगी, कैसे निकालू ये सारे दाग? आगे से कुछ भी ऐसा किया ना तो तू देख लेना, सर सबक सिखाऊंगी। क्या दाग कैसे निकालूंगी इसके? क्या हुआ बेटा? आई मेरे टी शर्ट में वो दाग लग गए, तभी आई ने डांट दिया। पेन खराब हो गया? तू डर मत, तेरी आजी जिंदा है ना, तुझे दूसरा पेन ला के देगी। तू बिंदास खराब करा बेटा। आई अबे क्या कह रही, आई ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझी ना, तू मुझे मत सिखाओ। वो बच्चा है शैतानी, वो नहीं करेगा तो क्या तू और मैं करूंगी? और तुझे एक बात बोलू, ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं सुधारा जाता बच्चों को, प्यार से समझा के बच्चों को सुधारा जाता है। आया मेरी बात समझ नहीं रही, अगर हम ऐसी उसकी हर जिद पूरी करते ना तो वो बिगड़ जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ ये सब बातें तू मुझे समझा कर। हाँ अभी 3-3 बच्चों को मैंने बड़ा किया है, मेरे संस्कारों में मानव जैसा अच्छा आदर्श बेटा बन गया है, तू मुझे सिखाएगी? चल ये तेरी आई है ना, बहुत बुरी है, तुझ पर हमेशा चिल्लाती है ना, तू उसके पास जाता ही क्यों है? तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग, मैं हूं ना तेरी आजी। मानव कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और SMS कर रही हूँ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? कहीं अर्चना के साथ फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं झगड़ा क्यों करूंगा, वो एक्चुअली सोच उसके बारे में ही रहा था और ख्याल में ऐसे खो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। सॉरी कॉफी। मानव मैं क्या करूं तुम्हारा, दिन रात तुम अर्चना के साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। खूबसूरती इतनी, और पता नहीं आजकल तो उसके रंग रूप में ऐसा निखार आया है कि समझ में नहीं आ रहा क्या राज है, आपको पता है क्या? राज जो भी हो वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन माना अब टीके की बर्थडे पार्टी का क्या होगा? अगर तुम्हारा इसी तरह ध्यान नहीं रहा तो हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं करेंगे ना। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ। डीके की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक इवेंट मैनेजर की जरूरत है, राइट? लेकिन शहर के सारे इवेंट मैनेजर्स बुक हो चुके हैं। मानव अब क्या होगा, अब हम कैसे सारी प्लानिंग करेंगे? अगर सारी प्लानिंग नहीं हुई तो पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होगी? मानव पता नहीं ये सब कैसे होगा, इतना सारा काम है और बहुत कम दिन बचे हैं। आशना जी
ये वर्षा यहाँ क्या कर रही है? इस तरह घर के बाहर खड़ी होकर ताक झांक करना, ये सब किस लिए? सोहम से मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी। हाँ। लेकिन लगता है वो घर पर नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वैसे भी सतीश को बिना बताए आई हूँ, तो वो परेशान हो रहा होगा। मैं काम करती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ, सुलोचना ताई और अर्चना दोनों भी घर में नहीं है, और सोहम अकेला सुंदरी के साथ है। अगर तू घर जाना चाहती है तो जा सकती है। ये तो कह रही है कि अपनी आई से मिलने आई है, लेकिन इसकी हरकत देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। अगर वाकई में ये सुलोचना ताई से मिलने आई होती तो उनके न होने की बात सुनकर वापस चली जाती, लेकिन नहीं, सोहम के अकेले होने की बात सुनकर तो वो खुश हो गई और उससे मिलने अंदर चली भी गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वर्षा सोहम को अर्चना और सुलोचना ताई की गैरहाजिरी में क्यों मिलना चाहती है। आई, अरे मंजू, आना बैठ, बैठ, खाना खाने बैठ मेरे साथ। अच्छा, थाली लगाते रहिए। नहीं नहीं आई, मैं घर से खाकर आई। लेकिन बात क्या है, तू इस वक्त यहाँ कैसे, ऑफिस नहीं गई? नहीं आई, ऑफिस तो गई थी, लंच ब्रेक में घर पे खाना खाने के लिए आई। वापस ऑफिस जा रही थी तो तुझसे मिलने का बहुत मन किया, बहुत याद आ रही थी तेरी, तो मैं यहाँ पर चली। मंजू, क्या बात है बच्चा, तू इतनी उदास क्यों है? तेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं है, अभी कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन हुआ क्या? विनोद की नौकरी नहीं रही। तू तो जानती है ना कि मैंने कितना सारा लोन लिया हुआ है, और मैंने हैवी ईएमआईज भरनी पड़ती है हम लोगों को। मतलब आई सिर्फ मेरी सैलरी से अब कैसे चलेगा मेरा घर? ईएमआईज कैसे भरूंगी, क्या करूंगी आई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आई, मुझे तो मेरा फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मंजू तू शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू शांत हो जा। मुझे एक बात बता, विनोद ने क्या सोचा है? क्या सोचेगा आई, नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है और क्या। जॉब तो ठीक है ना बच्चा, एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है ना। जॉब क्या आज नहीं तो कल मिल जाएगी, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और मैं एक बात बताऊं तुझे, तू बहुत लकी है, तुझे विनोद जैसा पति मिला है जो गिरकर भी संभलना जानता है। अजीत, अजीत का क्या करूं मैं, वो खुद कुछ करना नहीं चाहता है और किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही है। अब क्या हुआ है उसको? वो मंजू, मैंने वंदिता के आड़े मानो से ना अजीत के लिए बिजनेस के लिए थोड़े से पैसे और हमारे लिए घर रहने का प्लान किया था। वो अर्चना है ना, अर्चना, उसकी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अब पता नहीं क्या होगा। मंजू, हम दोनों के ना बहुत बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हमें संभल कर रहना चाहिए। Thank you.
क्यों खड़े? अरे बेटा, मेरी एक सहेली है ना, वो यही कहीं रहती है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। आपकी दोस्त आने वाली है तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और मैं यहाँ पर भी खड़ा हो कर थक गया हूँ, और अब मुझे घर जाना है। मुझे आइसक्रीम खानी है ना। हाँ रुक ना, अभी आएगी वो। अरे मेरी एक सहेली यहाँ रहती है, उसका इंतजार कर रहे थे। तू यहीं रहती है? जी। श्रावणी, ये सचिन है। सच्चू, ये काकी को हेलो कर। हेलो काकी, एक स्वीट स्वीट पप्पी दे। करने का अभी हमने इंतजार किया कि नहीं, अभी उसको आने दो और हमारा इंतजार करने दो। इसका मतलब मेरी आइसक्रीम कैंसिल ना? नहीं बेटा, तुझे मैं दो दो आइसक्रीम दूंगी। कौन सा खाएगा? एक चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट आइसक्रीम। अरे वाह, चल 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 मेरा सोना। दादा, ये टमाटर क्या भाव दिए? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? अरे पिछले हफ्ते तो मैं 10 रुपए किलो लेके गई थी, अचानक से एक हफ्ते में भाव बढ़ गए। कोई नहीं, जो मैंने पिछले हफ्ते में लिए थे उतने में ही लूंगी। आप ये मुझे दे दीजिए 1 किलो। वहाँ एक भिंडी बहुत अच्छी है, मानव को भिंडी पसंद है ना, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या दादा, अचानक से हमारे लिए इतने रेट कैसे बढ़ गए? भिंडी कैसे रही? लीजिए पॉलिथीन में डाल के जल्दी। थैंक यू। आई चल ना, अभी बहुत हो गया। भिंडी वजन करने दो, फिर आती हूँ। आई चल ना, बहुत लेट हो गया। अरे उसको पैसे तो देने दो। आई आई वो देख बंदू, आई तो यही रुक, मैं अभी बंदू से मिलकर। हाँ ये लीजिए पैसे, कितना हुआ? बंदू बंदू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख बंदू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दे बात करने का। देखिए आप मुझे बेवजह परेशान क्यों कर रही हैं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। बंदू देख, मुझे पता है तू जो कुछ भी बोल रही गुस्से में बोल रही, लेकिन जो भी तुझे गलतफहमी में गलतफहमी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने आपको हर बार मौका दिया है और आपने हर बार मेरा दिल दुखाया है। परसों तो आपने हद ही कर दी, आपने सबके सामने अजीत की बेइज्जती की, उनका अपमान किया, और आप चाहती है मैं ये सब भूल कर आपको एक मौका दूं? पर आप क्या कहना चाहती हूँ कि अजीत और आई मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, बस कीजिए वही, बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी आप मेरे परिवार के बारे में, अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। अच्छा होता है अगर उस दिन मैंने दादा के सामने आपको सपोर्ट नहीं किया होता, कम से कम मुझे आज का ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। बंदू मेरी बात छोड़िए, मुझे वहीं आओ।
बंधु बेटा, मुझे लगा तो नहीं ना बेटा, सच्ची बोल, लगा नहीं ना केता, हाथ हाथ आपने लगा, थोड़ा सा हाथ। बंधु देख, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। ए चुप, मेरे सामने नाटक करती है तू, सब देखा मैंने, तूने जानबूझ के मेरी बंधु को गाड़ी के सामने ढकेल दिया। उसका एक्सीडेंट करवाना चाहती थी तू, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे गिर गई और उसको चोट आई। आई मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी, मैं बंधु को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसको उससे कुछ बात करना चाहती थी, तो गलती से धक्का लग गया मैं। अरे कितना झूठ बोलेगी, कितना झूठ बोलेगी तू, तेरी नियत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बेटी से नफरत करती है ना, डरती है कहीं सबके सामने तेरी पोल खोल दी तो मेरी बेटी को तुझे उसके मरद के लिए एडवांस देना पड़ेगा, फ्लैट देना पड़ेगा, इसलिए तू सब कर रही है। अरे तू तो खुद भी जानती है मेरा बेटा अच्छा है, भोला है, लेकिन मेरी बेटी अगर उसे तेरी पोल खोल देगी ना तो मेरा बेटा उसकी जिंदगी से तुझे बेदखल कर देगा, ध्यान में रखना तू। ये तू मेरे बेटी को रास्ते से हटाना चाहती है ना? अरे ऐसे क्यों कह रही है, मैं ऐसे क्यों करूंगी, वो जितनी मानव की बहन है उतनी मेरी बहन है। मेरी बहन है? अरे कोई बहन होती है उसका इतना अपमान करता है क्या, जो तूने मेरी बेटी का उनके घर वालों का किया है? एक नंबर की नौटंकी है तू, अपने स्वार्थ के लिए तू कुछ भी करती है। मैंने तुझे सबक सिखाया होता, लेकिन मेरा बेटा तूने वश में कर लिया है, किसी का सुनता नहीं है, सिर्फ तेरा ही सुनता है। लेकिन एक दिन उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, फिर देखना वो क्या करता है तुझे। तब तक तू मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देखी ना, तेरे आंखें नोच लूंगी मैं। तू चिंता मत करना बेटा, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाते समय सच्चू को लेके जा घर, चल। हर्षा क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी? अगर मैंने मानव को सब कुछ सच सच बता दिया तो मानव जाकर आई से झगड़ा करेंगे और आई को लगेगा कि मैंने मानव से उनकी कंप्लेन कर दी, ऐसी उन्हें मेरे बारे में इतनी सारी गलतफहमियां हो गई, अब उनकी और गलतफहमी नहीं बढ़ाना चाहती मैं। हर्षा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हो? नहीं नहीं मानव, कुछ नहीं, वो मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा था ना इसलिए। बाबा आई झूठ बोल रही है, आज आजी ने आई को खूब डांटा। सच? आई ने तुम्हें डांटा, क्यों? नहीं मानव, आप भी क्या सच्चू की बातों पे विश्वास करें, वो तो ऐसे ही कुछ भी, आई ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा सच्ची। एक मिनट, क्या हुआ था सचिन? आज मार्केट में बंधु आई थी और फिर आई कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, पर बंधु आत्या ने हाथ छोड़ दिया और वहां से निकल गई, फिर उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अब वो बिल्कुल ठीक है। और अभी आई को आजी ने ये कहा था कि उनने जानबूझकर बंधु आत्या को धक्का मारा और उनका एक्सीडेंट करा। आजी ने आई को बहुत डांटा। लेकिन आई ने तुम्हें डांटा क्यों? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। मानव एक सेकंड, अभी आई के पास जाकर उनसे कुछ भी कहने का कोई मतलब? लेकिन क्यों? मानव अगर अभी आप आई के पास जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत की होगी और जबरदस्ती गुस्सा हो जाएंगी, उल्टा उनको समझाना और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी कुछ मत कहिए आई से। अच्छा तो फिर क्या करें हम लोग, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, वो तुम पे इल्जाम लगाती रहेंगी? अरे क्यों कर रही हूँ ऐसा यार? भाई तो मालूम नहीं चल रहा मानव, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही। लेकिन अभी ऐसे कुछ कहना बिल्कुल ठीक नहीं हो, वो जैसा कहती है जो कहती है सिर्फ सुन लीजिए, जिस दिन हमें पता चलेगा कि वजह क्या है उस दिन सोचेंगे कि क्या करना है।
मैं वो सोल्यूशन की ड्राफ्ट बना लेता हूँ जो कल की मीटिंग में कल सर प्रेजेंट कर देंगे। इतनी जल्दी आ गए? I mean, आपकी तो मीटिंग थी ना? और आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे थे? लाइट चलाने का मन नहीं था और मीटिंग मैंने कैंसिल कर। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? I thought I'll give you a surprise, but तुम घर पे थी ही नहीं, so हाँ वो मैं एक्चुअली एक पुरानी सहेली से मिलने गई थी। ओके कम लेट्स हैव डिनर। डीके वो आई एम सॉरी डीके, वो मुझे पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी घर आएंगे, तो मैं खाना खाकर आ रही हूँ। It's okay. तो मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ बाहर से। I'll help you with some more wine. No, please. Thank you. माना, आज ऑफिस में क्या हुआ बेटा? ठीक है, सब कुछ ठीक है। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, डीके सर और आसना कैसे है? अच्छे सब अच्छे। और तेरा नया प्रोजेक्ट? अच्छा चल रहा है, ठीक चल। मानो मेरी बात का ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लगता है अर्चना ने मानो को हमारे झगड़े के बारे में बता दिया है। मानो बेटा तुझे मुझसे सीधी सीधी बात नहीं करना है तो बोल देना, ऐसे ठंडे ठंडे जवाब क्यों दे रहे? नहीं, मुझे तुझसे बात क्यों नहीं करनी होगी, तो क्यों ऐसे बोल रही? तेरी बीवी ने मेरे खिलाफ तेरे कान भड़काए हैं। अर्चना ने ऐसा कुछ नहीं किया। तू उसकी साइड मत ले, उसको बचाने की कोशिश मत कर। आज तुझे पता है मार्केट में क्या हुआ? तेरी खामोशी बता रही है तू सब जानता है लेकिन बोलना नहीं चाहता है। तेरी बीवी ने वंदिता को गाड़ी के सामने ढकेल दिया। अच्छा हुआ भीड़ भाड़ थी, इसके लिए हमारी वंदु बच गई, वरना क्या होता? तू उसको चुप कराने की कोशिश मत कर, मैं जानती हूँ सब। तूने उसको मेरे खिलाफ भड़काया है और अब चुप कराती है। अरे मैं जानती हूँ तेरी जैसी लड़कियों को, चार लोगों में सती सावित्री बन के घूमती है और घर में पति को माँ से दूर करने की षड्यंत्र रचाती है। मैंने अब खाना खा लीजिए। अब भूख नहीं है मुझे। देखा, तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा गया, मुझे भी नहीं खाना है।